हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सिंपली मैथमेटिकल। आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 7.5, जो कि बेस्ड है मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शंस। ठीक है, तो मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शंस क्या है देखते हैं। तो ये मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शंस जो है वो एक मेथड ऑफ इंटीग्रेशन है, और इस मेथड में आपको रैशनल फंक्शंस दिए जाएंगे। तो फॉर एग्जांपल पी एक्स बाई क्यू एक्स, यहाँ पर अगर आप देखो तो रैशनल फंक्शंस कैसे होते हैं, पी एक्स बाई क्यू एक्स, वेयर पी एक्स एंड क्यू एक्स आर पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो पी एक्स और क्यू एक्स पॉलिनोमियल्स है, और क्यू एक्स जो है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, तो ज़ीरो पॉलिनोमियल नहीं है क्यू एक्स। तो ऐसे आपको फंक्शंस, रैशनल फंक्शंस दिए जाएंगे और उसको आपको इंटीग्रेट करना है। अब यहाँ पर जो है वो रैशनल फंक्शंस दो टाइप के होते हैं, प्रॉपर और इम्प्रॉपर। तो प्रॉपर रैशनल फंक्शंस का मतलब है, अगर आप पी एक्स डिवाइडेड बाई क्यू एक्स को देखें तो पी एक्स की डिग्री जो है वो क्यू एक्स से कम होगी। ठीक है, तो अगर पी एक्स की डिग्री, पी एक्स एक पॉलिनोमियल है, तो उसकी डिग्री अगर क्यू एक्स जो पॉलिनोमियल है उससे कम हो, तो ये फंक्शन जो है वो कहलाएगा क्या, प्रॉपर फंक्शन। ठीक है, प्रॉपर रैशनल फंक्शन। अदरवाइज अगर पी एक्स की डिग्री क्यू एक्स के डिग्री से ऊपर है, तो उसे क्या, पी एक्स डिवाइडेड बाई क्यू एक्स को क्या हम कहेंगे, इम्प्रॉपर। तो अगर जो रैशनल फंक्शन इम्प्रॉपर फंक्शन है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, पी एक्स जो है फंक्शन वो क्यू एक्स फंक्शन से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो पी एक्स फंक्शन जो है वो हम क्यू एक्स से डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर देखो आपको क्या मिलेगा, एक पॉलिनोमियल टी एक्स प्लस एक दूसरा पॉलिनोमियल पी वन एक्स डिवाइडेड बाई क्यू एक्स। तो ये आप करस्पॉन्ड कर सकते हैं डिवीजन से। ठीक है, आप जैसे नंबर्स डिवाइड करते हैं वैसे आप इसको देख सकते हैं, तो आपको एक नंबर मिलता है। जैसे कि अगर आपके पास है 9 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, 9 डिवाइडेड बाई 2 है अगर, तो हम कैसे लिख सकते हैं, वो 4 प्लस 1 बाई 2। ठीक है, 4 प्लस 1 बाई 2, तो ऐसे आपको देखना चाहिए पी एक्स बाई क्यू एक्स को, अगर पी एक्स बाई क्यू एक्स इम्प्रॉपर फंक्शन है। तो अगर पी एक्स बाई क्यू एक्स इम्प्रॉपर फंक्शन है, तो आप ऐसे लिख सकते हो टी एक्स प्लस पी वन एक्स डिवाइडेड बाई क्यू एक्स, और ये जो फंक्शन है उसको आप इंटीग्रेट करो। तो ये इसका इंटीग्रल होगा इंटीग्रल ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, इंटीग्रल ऑफ पॉलिनोमियल तो आपको पता है, हमने पहले बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं और उसमें आपको पॉलिनोमियल भी दिए थे, तो इंटीग्रल तो वैसे आपको लेना है प्लस इंटीग्रल ऑफ दिस। तो ये जो फंक्शन हो जाएगा वो होगा इम्प्रॉपर, सॉरी प्रॉपर फंक्शन। ठीक है, ये प्रॉपर फंक्शन होगा, और इसको इंटीग्रेट करने के लिए आपको मेथड यूज़ करना है, और वो है पार्शियल फ्रैक्शंस। ठीक है, तो आप किसी भी प्रॉपर इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन को प्रॉपर फंक्शन प्लस सम पॉलिनोमियल ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, प्रॉपर फंक्शन प्लस सम पॉलिनोमियल, तो इसको आप इंटीग्रेट करो। ठीक है, बाय यूजिंग विच मेथड, पार्शियल फ्रैक्शंस। अब यहाँ पे जो टेबल है, टेबल 7.2, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टेबल है। ठीक है, तो ये टेबल आपको बाहर करना है। तो टेबल में दो कॉलम है, फर्स्ट कॉलम क्या है, फॉर्म ऑफ द रैशनल फंक्शन। ठीक है, फॉर्म ऑफ द रैशनल फंक्शन, और दूसरा कॉलम है फॉर्म ऑफ द पार्शियल फ्रैक्शन। तो फॉर्म ऑफ द रैशनल फंक्शन ये है सारे, और उसके फॉर्म ऑफ पार्शियल फ्रैक्शंस ये दिए हुए हैं राइट हैंड साइड में। ठीक है, तो फर्स्ट फॉर्म क्या है देखते हैं, पी एक्स प्लस क्यू डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस बी, और ए इज़ नॉट इक्वल टू बी।
ठीक है, ये फॉर्म है। तो पी एक्स प्लस क्यू यहाँ पर लीनियर फंक्शन है, और डिवाइडेड बाय ये फैक्टर्स है, दो फैक्टर्स, और वो एक फंक्शन बनाते हैं मल्टीप्लाई कर कर। तो एक्स माइनस ए मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस बी, ठीक है। तो फॉर्म ऑफ द पार्शियल फ्रैक्शन क्या होगा यहाँ पर, ए डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए प्लस बी डिवाइडेड बाय एक्स माइनस बी, ठीक है। तो इस फॉर्म ऑफ रेशनल फंक्शन को आप ये फॉर्म ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन लिख सकते हो, ठीक है। और ए और बी जो है वो कॉन्स्टेंट्स है यहाँ पर, और ये जो ए और बी है वो हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो वो हम देखेंगे एक्सरसाइज सॉल्व करते वक्त। अब सेकेंड फॉर्म क्या है, फॉर्म ऑफ द रैशनल फंक्शन, तो पी एक्स प्लस क्यू डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए द होल स्क्वायर। तो ऐसा फॉर्म है रैशनल फंक्शन का, तो ये आप कैसे लिख सकते हो, ए डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए प्लस बी डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए द होल स्क्वायर। तो पहले आपको क्या लिखना है, ए डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए प्लस बाद में बी डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए द होल स्क्वायर। तो ये फॉर्म होगा। अब ये जो तीसरा फॉर्म है रैशनल फंक्शन का वो क्या है, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर। तो ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस सी, ठीक है। ये फैक्टर्स का एक फंक्शन है। तो अगर आप ये सारे ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई करते हो तो आपको एक फंक्शन मिलेगा, उसकी डिग्री क्या होगी, उसकी डिग्री होगी थ्री। ये आप देख सकते हो यहाँ पे, अगर आप ये फैक्टर्स मल्टीप्लाई करो तो एक आपको पॉलिनोमियल मिलेगा, उसकी डिग्री क्या होगी, थ्री। तो डिग्री थ्री इज़ लेस देन इस पॉलिनोमियल की डिग्री विच इज़ टू, ठीक है, थ्री इज़ लेस देन टू। तो फॉर्म ऑफ द पार्शियल फ्रैक्शन क्या होगा यहाँ पर, ए डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए प्लस बी डिवाइडेड बाय एक्स माइनस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय एक्स माइनस सी। तो आप कैसे लिखो, एक कांस्टेंट ए डिवाइडेड बाय एक फैक्टर एक्स माइनस ए प्लस दूसरा कांस्टेंट बी डिवाइडेड बाय दूसरा फैक्टर एक्स माइनस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय एक्स माइनस सी, ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हो। तो फोर्थ यहाँ पे फंक्शन है रैशनल फंक्शन, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए द होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस बी। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको आप पहले ये फॉर्म देखो, इस फॉर्म ऑफ द रैशनल फंक्शन का करस्पॉन्डिंग फॉर्म ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन क्या था, ए डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए प्लस बी डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए द होल स्क्वायर, ठीक है। तो पहले तो वो ही आएगा यहाँ पर, देखो यहाँ पर आ जाएगा वो, प्लस सी डिवाइडेड बाय ये दूसरा फैक्टर एक्स माइनस बी, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कैसे लिखना है, ठीक है। तो फिफ्थ अब देखेंगे, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर और डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए है मल्टीप्लाइड बाय ये फैक्टर जो है वो है क्वाड्रेटिक फैक्टर, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कैन नॉट बी फैक्टराइज फर्दर। तो ये जो फैक्टर है क्वाड्रेटिक फैक्टर, उसको हम लीनियर फैक्टर्स में नहीं लिख सकते, ठीक है। तो आप ये फैक्टराइज नहीं कर सकते हो। तो ऐसा एक फैक्टर है क्वाड्रेटिक फैक्टर। तो अगर ऐसा एक फॉर्म ऑफ रैशनल फंक्शन है, तो आप फॉर्म ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन कैसे लिख सकते हो, ए डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए प्लस, ये तो आपको पता है आपको कैसे लिखना है, एक कांस्टेंट ए डिवाइडेड बाय जो लीनियर फैक्टर है वो एक्स माइनस ए प्लस। अब इस फैक्टर के करस्पॉन्डिंग जो पार्शियल फ्रैक्शन आ जाएगा वो क्या होगा, बी एक्स प्लस सी। तो लीनियर फंक्शन आप लिख दो यहाँ पे, ठीक है, लीनियर फंक्शन बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाय जो फैक्टर है वो आप लिखो डिनोमिनेटर में, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। ऐसा एक फॉर्म ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन होगा इसके लिए। तो ये सारे पांच फॉर्म ऑफ पार्शियल फ्रैक्शंस, ठीक है, यहाँ पे करस्पॉन्डिंग टू फॉर्म ऑफ द रैशनल फंक्शंस आपको बाय हार्ट करने हैं, ठीक है। तो अब हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 7.5, और हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 1, 2, 3, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है,
इंटीग्रेट द रेशनल फंक्शंस इन द एक्सरसाइज 1 to 21। तो 1 to 3 हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है, x डिवाइडेड बाय x प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 2, ये फंक्शन है, इसको हमें इंटीग्रेट करना है। तो पार्शियल फ्रैक्शंस लगाना होगा इसको, क्योंकि ये जो फॉर्म है वो कौन सा फॉर्म है, फॉर्म 1 इस टेबल में जो है। तो पी एक्स प्लस क्यू डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस बी, ये फॉर्म है यहाँ पर, ठीक है। तो उसके करस्पॉन्डिंग जो फॉर्म ऑफ पार्शियल फ्रैक्शंस है वो क्या है, ए डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए प्लस बी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस बी। तो ये फॉर्म आपको यूज करना है। तो प्रॉब्लम 1, एक्स डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस 2। तो पहले आपको पता है, ये आपने पहले प्रॉब्लम्स को यूज किया है, लेट आई बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस 2 डी एक्स, ये आपको पता है, ये तो पहला स्टेप होता है, ठीक है ना। अब ये जो फॉर्म है वो अभी अभी मैंने बताया कि फॉर्म 1 है, तो उसके लिए आपको फॉर्म भी पता है। तो लेट एक्स डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस 2 बी इक्वल टू, क्या फॉर्म है, ए डिवाइडेड बाय पहला फैक्टर एक्स प्लस 1 प्लस बी डिवाइडेड बाय दूसरा फैक्टर एक्स प्लस 2, ऐसा है। अब ये हमें सिंप्लीफाई करना है, और ए और बी जो है वो हमें फाइंड करने हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, x डिवाइडेड बाय x प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 2 इक्वल टू, ये हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो हमें मिलेगा a मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 2 प्लस b मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 1 द होल डिवाइडेड बाय x प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 2, ऐसे मिलेगा। तो यहाँ पर x प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, और लेफ्ट हैंड साइड में बचेगा x इक्वल टू, राइट हैंड साइड में बचेगा x मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 2 प्लस b मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 1। अब यहाँ से हमें क्या करना है, यहाँ से हमें a और b फाइंड करना है, ठीक है। तो उसके लिए आपको पहले तो ये जो राइट हैंड साइड है वो सिंप्लीफाई करना है। तो x इक्वल टू, ये आप लिख दो ए एक्स प्लस 2a प्लस, ये आप लिख दो बी एक्स प्लस बी। तो सिंपली आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, ठीक है, a मल्टीप्लाइड बाई x क्या है ए एक्स प्लस a मल्टीप्लाइड बाई 2 है 2a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई एक्स है बी एक्स प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई 1 है b, ऐसे। तो यहाँ पर हमें मिलेगा x इक्वल टू, अब ये जो लाइक टर्म्स है उसे हम एक साथ लाएंगे, तो ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ये लाइक टर्म्स 2a प्लस b। तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, x इक्वल टू, ये जो x टर्म्स है उसमें से x हम कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बचेगा, x अगर हम कॉमन ले तो बचेगा ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस ये 2a प्लस बी, ऐसे मिलेगा। तो ये हम लिख सकते हैं x, ठीक है, मैं लिखूँगा x को 1 मल्टीप्लाइड बाय x यहाँ पे, और प्लस 0 ऐसे लिखूँगा इक्वल टू x मल्टीप्लाइड बाय a प्लस बी प्लस 2a प्लस बी। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स, ठीक है, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स हमें करना है। तो बाय कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स हमें क्या मिलेगा, देखो कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स का मतलब है
सिंपली हमें कोएफिशिएंट्स जो है वेरिएबल्स के उन्हें कंपेयर करना है। तो एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, 1। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में एक्स का कोएफिशिएंट है 1, और राइट हैंड साइड में एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, ए प्लस बी। तो दोनों इक्वल होंगे क्योंकि दो टर्म्स जो है इक्वल है, ये जो दो टर्म्स है यहाँ पे वो इक्वल है, तो इसीलिए जो कोएफिशिएंट्स है करस्पॉन्डिंग टू द वेरिएबल्स वो इक्वल होंगे। तो 1 जो है वो होगा इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है। और अब ये जो कांस्टेंट है वो किस कांस्टेंट से इक्वल होगा, इस कांस्टेंट से इक्वल होगा। तो 0 इज इक्वल टू 2a+b, ऐसे हमें मिलेगा, ठीक है। ये जो 0 कांस्टेंट है वो इस कांस्टेंट से इक्वल होगा कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट। अब इस इक्वेशन को हम कहेंगे 1, इस इक्वेशन को हम कहेंगे 2। अब ये जो दो इक्वेशंस है उन्हें हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, हमें क्या मिलेगा, ए प्लस बी इक्वल टू 1 हम लिखेंगे इक्वेशन 1, और इक्वेशन 2 हम यहाँ लिखेंगे ऐसे 2a+b इक्वल टू 0। अब ये हम कैसे सॉल्व करेंगे, बाय साइमल्टेनियस मेथड या एलिमिनेशन मेथड जैसे आप कहते हैं। तो यहाँ पे हमें जो कांस्टेंट है वो फाइंड करने हैं, तो साइंस चेंज कर लेंगे इसके, तो माइनस 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 एलिमिनेशन मेथड यूज़ करेंगे। तो b-b क्या है, 0, और a-2a क्या है, माइनस ए, ठीक है। तो माइनस ए यहाँ पर आ जाएगा, प्लस 0 इक्वल टू 1 माइनस 0 होगा 1, तो माइनस ए इक्वल टू 1 आ जाएगा यहाँ पे, तो ए इक्वल टू -1, ये हमें मिलेगा, ठीक है, एक कांस्टेंट। अब हम फाइंड करेंगे दूसरा कांस्टेंट बी। तो ये जो वैल्यू है ए की वो हम किसी भी दो इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो इसको हम कहेंगे 3। तो सब्स्टिट्यूटिंग 3 इन 1, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूटिंग 3 इन 1, तो 1 क्या है, 1 इक्वल टू a+b, ठीक है। तो 1 इक्वल टू ए था यहाँ पर, ठीक है, ए है यहाँ पर, तो ए का वैल्यू हमें क्या मिला है, -1, तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, 1 इक्वल टू -1+b। तो यहाँ पर हमें मिलेगा 1, और ये जो -1 है वो हम यहाँ लाएंगे तो +1 हो जाएगा इक्वल टू बी, और यहाँ पर हमें मिलेगा 2 इज इक्वल टू b या b इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो दोनों कॉन्स्टेंट्स a और b हमें मिल गए हैं। तो a क्या है, a है -1 और b है 2। अब जो इक्वेशन था पार्शियल फ्रैक्शन का ये, तो उसमें हम जो कॉन्स्टेंट्स हमें मिले हैं वो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, तो हम इस इक्वेशन को कह सकते हैं स्टार, ठीक है। तो इक्वेशन स्टार बिकम्स x/(x+1) x/(x+2) इक्वल टू, यहाँ पे देखो ए क्या है, -1, तो -1/(x+1) आ जाएगा, प्लस यहाँ पर बी हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 2/(x+2) आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमें मिल गया है। अब ये जो टर्म है वो क्या था, वो था इंटीग्रैंड। ये जो टर्म है वो क्या था, इंटीग्रैंड। तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, इंटीग्रैंड क्या बन गया है, अब -1/(x+1) प्लस
टू डिवाइडेड बाय एक्स प्लस टू और dx, ठीक है, यही तो था इंटीग्रेंड। तो उसको हम ये सब्स्टिट्यूट किया है, ठीक है, यहाँ पे ये था इंटीग्रेंड, तो इसको हमने ये सब्स्टिट्यूट किया, तो ये हमें मिला। तो I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ -1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन डी एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ 2 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस टू डी एक्स। अब ये हम कैसे लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू माइनस हम बाहर ले सकते हैं, तो माइनस इंटीग्रल ऑफ 1 बाय एक्स प्लस वन डी एक्स प्लस ये जो कांस्टेंट है 2, वो हम बाहर ले सकते हैं, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई इंटीग्रल ऑफ 1 बाय एक्स प्लस टू डी एक्स। अब इसको हमें इंटीग्रेट करना है, तो माइनस इंटीग्रल ऑफ 1 बाय एक्स प्लस वन है यहाँ पे, तो ये क्या बन जाएगा, बाय फॉर्मूला लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ एक्स प्लस वन, ऐसे आप लिख सकते हो, ठीक है, या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ कर सकते हो, कोई भी मेथड यूज़ करो यहाँ पे, सब्स्टिट्यूशन मेथड आप यूज़ कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है, प्लस टू टाइम्स इंटीग्रल ऑफ 1 बाय एक्स प्लस टू हो जाएगा लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ एक्स प्लस टू प्लस सी, ठीक है, ऐसे। ओके, दिस इज द आंसर। अब अगर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करें यहाँ पे, तो क्या होगा, ये आंसर हमें एक्चुअली मिल गया है, पर फिर भी सब्स्टिट्यूशन मेथड अगर हम यूज़ करें, लेट आई वन बी इक्वल टू माइनस इंटीग्रल ऑफ 1 बाय एक्स प्लस वन डी एक्स, ठीक है, ऐसा इंटीग्रल हमें पहले सेपरेट लेना होगा अगर हम इनडायरेक्टली इंटीग्रेट करते हो, तो इस इंटीग्रल को हम कहेंगे आई वन। अब इसको जो है एक्स प्लस वन को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, पुट एक्स प्लस वन इक्वल टू टी, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन एक्स का डिफरेंशिएशन है 1 प्लस वन का डिफरेंशिएशन है 0 डी एक्स इक्वल टू डी टी, ठीक है, तो डी एक्स इज इक्वल टू डी टी आ जाएगा यहाँ पे। फिर आई वन क्या होगा, आई वन होगा माइनस, ठीक है, इंटीग्रल ऑफ 1 बाय एक्स प्लस वन है टी और डी एक्स बन गया है डी टी, और इसका इंटीग्रल अगर आप देखो तो वो है माइनस इंटीग्रल ऑफ 1 बाय टी होगा लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ टी प्लस सी। अब इस टी को अगर आप रिसब्स्टिट्यूट करो तो हमें क्या मिलेगा, तो आई वन इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ टी को रिसब्स्टिट्यूट करना है, तो एक्स प्लस वन प्लस सी, ठीक है, ये हमें मिलेगा। तो यही तो टर्म थे, यही तो टर्म था यहाँ पे, माइनस लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ एक्स प्लस वन, देखो यहाँ पे सेम हमें आंसर मिल गया है, ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ कर कर भी आप कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली, आपको अगर पता है कि इसका इंटीग्रेशन क्या है, तो आप ये लिख सकते हो, ये लीनियर फंक्शन है, ठीक है, लीनियर फंक्शन और एक्स का कोएफिशिएंट 1 है यहाँ पे, ठीक है, तो डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू नहीं आएगा, ठीक है, तो ऐसा आंसर होगा ये। अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 2। तो प्रॉब्लम 2 क्या है, 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 9, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 9, तो पहले आपको क्या करना है, लेट आई बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 9 डी एक्स। अब यहाँ पे जो है वो डायरेक्टली आप इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे, ठीक है, आपने फॉर्मूला तो बहुत सारे देखे हैं इंटीग्रेशन करने के लिए, एक्सरसाइज 7.4 जो है वो किस पर बेस्ड है, फॉर्मूले
यूज़ करना, ठीक है, उस मेथड पर बेस्ड है, मतलब कि यूजिंग आइडेंटिटीज़, ठीक है, यूजिंग आइडेंटिटीज़ आप ये जो, सॉरी नॉट यूजिंग आइडेंटिटीज़, डायरेक्ट फॉर्मूला है इसको, ठीक है, इंटीग्रल ऑफ 1/x² - a² को डायरेक्ट फॉर्मूला है, तो वो आपको वो आप यूज़ कर सकते हैं, पर यहाँ पे जो मेथड है वो है मेथड बाय पार्शियल फ्रैक्शंस। तो यहाँ पर आप क्या करो, यहाँ पर आप ये जो फंक्शन है वो सिंप्लीफाई करो, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1/x² - 9 आप लिख सकते हैं 3² फिर dx, ठीक है, ऐसा। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1 बाय, अब x² - 3² क्या बन जाएगा, x-3 मल्टीप्लाइड बाय x+3 dx, ऐसा बन जाएगा, ठीक है। अब ये जो है फंक्शन, वो उसे आप पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म में लिखो, तो लेट 1/x-3 मल्टीप्लाइड बाय x+3 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे जो है वो आप इस फंक्शन को किस फॉर्म में लिखोगे, ये फंक्शन जो है रैशनल फंक्शन वो फॉर्म 1 है टेबल में, 7.2 टेबल जो है उसका फॉर्म 1 है, तो उसके लिए फॉर्म ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है, ए डिवाइडेड बाय जो फैक्टर पहला फैक्टर है प्लस बी डिवाइडेड बाय दूसरा फैक्टर, ऐसे। अब ये आप सिंप्लीफाई करो तो 1/x-3 मल्टीप्लाइड बाय x+3 इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड बाय x+3 प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय x-3, यहाँ पर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और डिवाइडेड बाय x-3 मल्टीप्लाइड बाय x+3, तो ऐसे हमें मिलेगा। तो यहाँ पे x-3 x+3 x-3 x+3 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में बचेगा 1 इक्वल टू, राइट हैंड साइड में बचेगा ए मल्टीप्लाइड बाय x+3 प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय x-3। अब ए और बी हमें फाइंड करने हैं, तो उसके लिए आपको ये सिंप्लीफाई करना है राइट हैंड साइड, तो इस ए को आप अगर मल्टीप्लाई करो तो अब हमें मिलेगा ax+3a प्लस बी को आप इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करो तो मिलेगा bx-3b, तो हमें मिलेगा a इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स, लाइक टर्म्स हमें एक साथ लेना है, प्लस 3a और -3b, ऐसे हमें मिलेगा। तो 1 इज इक्वल टू, अब इस दो टर्म से हम x कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बचेगा ब्रैकेट में, ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस 3a-3b। अब यहाँ पे जो है वो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक्स टर्म लाएंगे, कैसे लाएंगे, 0 मल्टीप्लाइड बाय एक्स, ठीक है, ये हम लिखेंगे, प्लस 1 इक्वल टू ए प्लस बी एक्स प्लस 3a-3b, ऐसे हमें मिलेगा। अब हम क्या यूज़ करेंगे, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स, सो बाय कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स हमें क्या मिलेगा, देखो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स यहाँ पर 0 है और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स यहाँ पर ए प्लस बी है, तो दोनों इक्वल होंगे, तो 0 इज इक्वल टू ए प्लस बी, और यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो 1 है इक्वल टू, यहाँ पर जो कांस्टेंट है वो है 3a-3b, तो यहाँ पे हम इस इक्वेशन को कहेंगे 1 और इसको कहेंगे 2, तो ये इक्वेशन 1 और 2 हमें सॉल्व करने हैं, तो सॉल्विंग 1 एंड 2, तो अब ये जो 1 है मैं लिखूँगा उसे a प्लस बी इक्वल टू 0, और ये जो इक्वेशन 2 है उसे मैं लिखूंगा 3a-3b इक्वल टू 1, तो ये आपको सॉल्व करना है बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड।
तो एलिमिनेशन मेथड अगर हम यूज़ करें तो यहाँ पर हमें क्या करना है, 3 को मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर और यहाँ पे 1 को, ठीक है, ताकि हमें क्या मिल जाए, 3a+3b। इक्वेशन 1 को अगर हम देखें, इस इक्वेशन को, तो 3a+3b=0, ठीक है। 3 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करो तो 3a+3 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करो तो मिलेगा 3b=3 को यहाँ पे अगर आप मल्टीप्लाई करो तो मिलेगा 0, और इस 1 को अगर आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करो तो मिलेगा 3a-1 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करो तो मिलेगा 3b=, ये जो 1 है उसे यहाँ पे मल्टीप्लाई करो तो मिलेगा 1। अब +3b-3b कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, 6a, ठीक है, 3+3 और =0+1 है 1, तो a क्या मिल गया हमें, a=1/6, a=1/6। अब हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन है a=1/6 वो हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे ताकि हमें क्या मिल जाए, कांस्टेंट जो b है। तो सब्स्टिट्यूटिंग इसको a=1/6 को हम कहेंगे इक्वेशन 3, तो सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 3 इन 1 हमें क्या मिल जाएगा, 1/6+b=0, तो b=-1/6 ऐसे हमें मिलेगा, ठीक है। तो दो कांस्टेंट हमें मिल गए हैं, तो a=1/6 एंड b=-1/6, ऐसे दो कांस्टेंट हमें मिले हैं। अब इस इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन था फर्स्ट ओरिजिनल, उसको हम कहेंगे स्टार। तो इक्वेशन स्टार अब क्या बन जाएगा, अगर हम ए और बी जो वैल्यू हमें मिले हैं उसे सब्स्टिट्यूट करें, तो इक्वेशन स्टार बिकम्स 1/(x-3)/(x+3)=1/6 (x-3)+-1/6)/(x+3), ठीक है, ये इक्वेशन ये बन जाएगा आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग ए और बी की वैल्यूज। अब जो इंटीग्रल है उसे फाइंड करेंगे, i=IntegralOf, जो इंटीग्रेंड है वो क्या बन गया है, 1/6((x-3)+-1/6)((x+3)dx, ठीक है, ये तो इंटीग्रेंड था, ठीक है, और वो क्या बन गया है, ये बन गया है, तो इंटीग्रल ऑफ ये मिलेगा हमें, तो i=, अब हम जो इंटीग्रल है वो सेपरेट करेंगे, तो (इंटीग्रल ऑफ 1/6)/(x-3)dx प्लस (इंटीग्रल ऑफ -1/6)/(x+3)dx ऐसे हमें मिलेगा। तो i=, अब ये जो कांस्टेंट है 1/6 वो हम बाहर लेंगे, (इंटीग्रल ऑफ 1/x-3)dx, और ये जो कांस्टेंट है -1/6 वो भी हम बाहर लेंगे, तो (इंटीग्रल ऑफ 1/x+3)dx ऐसे मिलेगा। तो i=(1/6)log(| क्या बन जाएगा, (x-3)-1/6)log(|x+3)+c। यहाँ पर फिर से आप सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर सकते हो और ये सॉल्व कर सकते हो, तो ये आंसर हमें मिला है, ठीक है।
तो ये आंसर होगा प्रॉब्लम नंबर 2 का। अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 3। तो ये आप और भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, 1/6 कॉमन लेकर लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हो ये। ओके, और ये भी आंसर करेक्ट है। तो थर्ड प्रॉब्लम क्या है, 3x-1 डिवाइडेड बाय x-1 मल्टीप्लाइड बाय x-2 मल्टीप्लाइड बाय x-3। तो पहले हम क्या करेंगे, लेट आई बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, ये जो फंक्शन दिया है 3x-1 डिवाइडेड बाय x-1 मल्टीप्लाइड बाय x-2 मल्टीप्लाइड बाय x-3 dx। तो यहाँ पर जो है वो हम पार्शियल फ्रैक्शन यूज़ करेंगे। तो 3x-1 डिवाइडेड बाय x-3 मल्टीप्लाइड बाय x-2 मल्टीप्लाइड बाय x-3। तो ये कौन सा फॉर्म है, तो अगर हम फॉर्म उसको देखें, टेबल 7.2 थर्ड, ठीक है, थर्ड फॉर्म है यहाँ पे। तो फंक्शन जो है वो लीनियर फंक्शन है, पर यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक फंक्शन। पर ये हम क्वाड्रेटिक फंक्शन करके लिख सकते हैं क्योंकि 0x² यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे अगर हम लिखे तो ये बन जाएगा फॉर्म 3 ऑफ 7.2 टेबल। तो हमें क्या करना होगा, लेट ये जो फंक्शन है 0x² + 3x-1 डिवाइडेड बाय x-1 मल्टीप्लाइड बाय x-2 मल्टीप्लाइड बाय x-3, वो क्या बन जाएगा, ए डिवाइडेड बाय ये फैक्टर, पहला फैक्टर x-1 + b डिवाइडेड बाय दूसरा फैक्टर x-2 + c डिवाइडेड बाय तीसरा फैक्टर x-3। अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड वैसे का वैसा रहेगा, 0x² + 3x-1 डिवाइडेड बाय x-1 मल्टीप्लाइड बाय x-2 मल्टीप्लाइड बाय x-3 इक्वल टू, अब ये जो फैक्टर है, ये जो टर्म है उसे हम एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो एलसीएम लेंगे यहाँ पर, तो एलसीएम क्या है, x-1 मल्टीप्लाइड बाय x-2 मल्टीप्लाइड बाय x-3, ये एलसीएम है। तो a मल्टीप्लाइड बाय हमें क्या मिलेगा, ये फैक्टर तो पहले से यहाँ है डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो हमें क्या मल्टीप्लाई करना होगा, ये दो फैक्टर, तो x-2 मल्टीप्लाइड बाय x-3, ठीक है, प्लस b मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पर तो x-2 फैक्टर है तो हमें यहाँ पर b को क्या मल्टीप्लाई करना है, x-1 मल्टीप्लाइड बाय x-3, ठीक है, फिर प्लस c, यहाँ पर तो x-3 फैक्टर है तो यहाँ पर हमें क्या मल्टीप्लाई करना है, x-1 और x-2 और द होल डिवाइडेड बाय जो एलसीएम है वो यहाँ पर आ जाएगा, x-1 मल्टीप्लाइड बाय x-2 मल्टीप्लाइड बाय x-3, ऐसे हमें मिलेगा। तो ये आप ऐसे देखो, 1/6 अगर आपके पास है, प्लस 1/4 प्लस 1 बाय समझो 18 है यहाँ पे, ठीक है, 18, या फिर आप ले सकते हो 16, ओके 24 आप ले सकते हो यहाँ पे 24। तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, एलसीएम तो 24 है यहाँ पे, आप देखो 6 4 और 24 का एलसीएम क्या होगा, 24। तो यहाँ पर 6 को आपको क्या मल्टीप्लाई करना है, 4, ठीक है, प्लस 4 को आपको क्या मल्टीप्लाई करना है, 6, ठीक है, 24 बनाना है डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर 6 मल्टीप्लाई करना है और 24 को क्या मल्टीप्लाई करना है, 1। तो ऐसा आपको यहाँ पे करना है सिमिलरली, ठीक है, तो ये आपको मिलेगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो x-1 x-2 x-3 डिनोमिनेटर है यहाँ पे,
और एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री यहाँ पे डिनोमिनेटर है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है? और क्या बचेगा? तो 0x² प्लस 3x-1 इक्वल टू ए टाइम्स x-2 मल्टीप्लाइड बाय x-3, फिर प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय x-1 मल्टीप्लाइड बाय x-3 प्लस सी मल्टीप्लाइड बाय x-1 मल्टीप्लाइड बाय x-2, ये हमें मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ये आप सिंप्लीफाई कर सकते हो और कॉन्स्टेंट्स फाइंड कर सकते हो बाय कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स, पर उसके अलावा एक और मेथड है यहाँ पे, ठीक है? और वो इजी मेथड है। तो अब मैं जो मेथड बता रहा हूँ वो आप वन और टू प्रॉब्लम के लिए भी यूज़ कर सकते थे, ठीक है? पर वो जो प्रॉब्लम्स थे वो छोटे प्रॉब्लम्स थे, इसीलिए मैंने वहाँ पे वो मेथड यूज़ किया था। अब यहाँ पे जो है वो मैं जो मेथड बताने जा रहा हूँ वो हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है फैक्टर्स, यहाँ पे x-2 मल्टीप्लाइड बाई x-3 है यहाँ पे। तो अगर आप यहाँ पे जो है x=2 सब्स्टिट्यूट करें, ठीक है, इस इक्वेशन में अगर आप x=2 सब्स्टिट्यूट करें तो ये फैक्टर क्या बन जाएगा, 2-2, ठीक है, तो 0 बन जाएगा, तो ये गायब हो जाएगा, फिर ये भी गायब हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर x-2 है, तो 2-2 0 होगा, ये बचेगा सिर्फ, ठीक है? तो ये आप देख सकते हो। तो अगर ये सिर्फ बचता है तो आप बी फाइंड कर सकते हो, ठीक है, बी फाइंड कर सकते हो यहाँ से। तो आपको पहले क्या करना होगा, पुट x=2, ठीक है? तो एक एक वैल्यूज एक्स की आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो और कॉन्स्टेंट जो है वो फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, 0x2² प्लस 3x2-1 इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड बाय 2-2 मल्टीप्लाइड बाय 2-3, फिर बी टाइम्स 2-1 मल्टीप्लाइड बाय 2-3 प्लस सी टाइम्स 2-1 मल्टीप्लाइड बाय 2-2। तो 0 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज 6-1 इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड बाय 2-2 क्या है, 0 प्लस मल्टीप्लाइड बाय 2-3 इज -1, फिर प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 2-3 इज -1 प्लस सी मल्टीप्लाइड बाय 2-1 इज 1 और 2-2 क्या है, 0। तो यहाँ पर हमें मिलेगा 0 प्लस 6-1 इक्वल टू ये 0 बन जाएगा और प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय -1 प्लस ये भी 0 बन जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, 6-1 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, -b, तो 5 इज इक्वल टू -b ऐसे हमें मिल गया है, तो b इज इक्वल टू -5, तो b की वैल्यू हमें मिली है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो हमने x=2 सब्स्टिट्यूट किया था, अब कोई दूसरा x लेकर सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये आप ऑब्जर्व कर सकते हो यहाँ पे कि अगर आप x=3 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, ठीक है, तो ये 0 बन जाएगा, ठीक है, ये गायब हो जाएगा, और यहाँ पे भी 3-3 तो 0, तो ये भी गायब हो जाएगा, तो सिर्फ ये बचेगा। तो उससे आप सी फाइंड कर सकते हो, ठीक है? तो आपको क्या करना है, पुट x=3, तो पुट x=3
अब ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या बन जाएगा, 0 मल्टीप्लाइड बाई 3 स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स 3 -1 इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड बाय 3 -2 मल्टीप्लाइड बाय 3 -3 फिर प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय 3 -1 मल्टीप्लाइड बाय 3 -3 फिर प्लस सी मल्टीप्लाइड बाय 3 -1 मल्टीप्लाइड बाय 3 -2 तो आपको यहाँ पर मिलेगा 0। ये बन जाएगा 0 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज 9 -1 इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड बाय 0। ये तो 1 है। प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय 3 -1 इज 2 और 3 -3 क्या है 0। प्लस सी 3 -1 इज 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 -2 इज 1। तो यहाँ पे जो है हमें क्या मिलेगा, 9 -1 इज 8 विच इज इक्वल टू ये 0 बन जाएगा, ये 0 प्लस ये बन जाएगा 2c, तो 8 इज इक्वल टू 2c मिलेगा। तो अब यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 2c इज इक्वल टू 8, तो c इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय 2, तो c इज इक्वल टू 4 ये हमें मिलेगा। तो a b और c तीनों कॉन्स्टेंट हमने फाइंड कर लिए है, c फाइंड कर लिया है, b a हमें फाइंड करना है। तो a कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे आप देखो अगर आप x इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट करते हो तो ये 0 बन जाएगा, तो ये गायब हो जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा 1 -1, तो ये भी गायब हो जाएगा, ये सिर्फ बचेगा यहाँ पे, ठीक है ये बचेगा। तो ए कांस्टेंट फाइंड कर सकते हो आप, तो पुट एक्स इक्वल टू 1, तो 0 1 स्क्वायर फिर प्लस 3 टाइम्स 1 -1 इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड बाय 1 -2 मल्टीप्लाइड बाय 1 -3 फिर बी मल्टीप्लाइड बाय 1 -1 मल्टीप्लाइड बाय 1 -3 और प्लस सी मल्टीप्लाइड बाय 1 -1 मल्टीप्लाइड बाय 1 -2। तो यहाँ से हमें मिलेगा, ये बन जाएगा 0 प्लस 3 -1 इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड बाय 1 -2 बन जाएगा -1 और 1 -3 बन जाएगा -2 प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय 1 -1 है 0 और यहाँ पे 1 -3 बन जाएगा -2 प्लस सी मल्टीप्लाइड बाय 1 -1 इज 0 और 1 -2 बन जाएगा -1। तो यहाँ से 3 -1 होगा 2 इक्वल टू ये देखो ए मल्टीप्लाइड बाय -1 मल्टीप्लाइड बाय -2 क्या है 2, तो ए मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस ये बन जाएगा 0 प्लस ये भी बन जाएगा 0, तो 2 इज इक्वल टू 2a ऐसे मिलेगा। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 2a इज इक्वल टू 2 फिर a इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 2 और फिर a इज इक्वल टू 1, तो a की वैल्यू भी हमने फाइंड कर ली है। तो तीनों कांस्टेंट हमें मिले हैं, तो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -5 एंड c इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो इक्वेशन स्टार को हमें अब देखना है, इक्वेशन स्टार क्या है,
इक्वेशन स्टार ये है, इक्वेशन स्टार ठीक है ये। तो इसमें हम सब्स्टिट्यूट करेंगे जो वैल्यूज हमने फाइंड की है ए बी और सी की। सो इक्वेशन स्टार बिकम्स इक्वेशन स्टार बिकम्स जीरो एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस टू मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है हमें यहाँ पे। ए क्या है वन, तो वन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन प्लस बी की वैल्यू है माइनस फाइव यहाँ पे, तो माइनस फाइव डिवाइडेड बाय एक्स माइनस टू प्लस सी की वैल्यू है फोर, तो प्लस फोर डिवाइडेड बाय एक्स माइनस थ्री, तो ये बन जाएगा इंटीग्रेंड ठीक है। अब तो I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ वन बाय एक्स माइनस वन, फिर ये तो प्लस और माइनस है तो वो बन जाएगा माइनस फाइव डिवाइडेड बाय एक्स माइनस टू प्लस फोर डिवाइडेड बाय एक्स माइनस थ्री डी एक्स। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे इंटीग्रल, तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, अब सेपरेट करना है हमें, तो इंटीग्रल ऑफ वन बाय एक्स माइनस वन डी एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ फाइव बाय एक्स माइनस टू डी एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ फोर डिवाइडेड बाय एक्स माइनस थ्री डी एक्स। तो I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ वन बाय एक्स माइनस वन डी एक्स, फिर माइनस फाइव, ये जो फाइव कॉन्स्टेंट है वो हम बाहर लेंगे, इंटीग्रल ऑफ वन बाय एक्स माइनस टू डी एक्स प्लस ये जो फोर कॉन्स्टेंट है वो हम बाहर लेंगे, इंटीग्रल ऑफ वन बाय एक्स माइनस थ्री डी एक्स। तो डायरेक्ट फॉर्मूला आपको पता है इंटीग्रल ऑफ वन बाय एक्स माइनस वन क्या होता है, लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस वन, फिर माइनस फाइव लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस टू, फिर प्लस फोर लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस थ्री और प्लस सी। तो ऐसा आंसर आ जाएगा हमें प्रॉब्लम नंबर थ्री का। तो इस वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।